तो गाइज यहाँ पे कब आपकी तैयारी हो गई? तो गाइज हमने पहले टिक्के चेक कर के लगा रही है सीख पे कबाब का कीमा। पहला कबाब मेरे लिए आया। वाहिद भाई इतना बड़ा तूफान चल रहा है तो तुम हाथ से क्यों कर रहे हो? कितना जूसी कबाब है ना ये। गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेबा खान मलिक फैमिली व्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज आप जैसे कि देख रहे हैं कि घर में कोई भी नहीं है और मैं अकेली हूँ क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी, अपने व्लॉग वगैरह एडिट कर रही थी, कुछ वीडियो शूट कर रही थी, कुछ मतलब ज़रूरी काम कर रही थी। तो ये सब लोग हैं नहीं घर में, ये सब लोग गए हुए हैं, बच्चे गए हुए हैं अपने नानी के घर पे, क्योंकि क्योंकि बहुत बड़ा सीन है आज। मतलब क्योंकि मेरे दांत में दर्द चल रहा था ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वो दांत मुझे निकलवाना था, लेकिन दानिश ने मुझसे कहा है, डॉक्टर से बात कर ली, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे आज बुलाया था, नहीं आज नहीं, उन्होंने कल बुलाया था मुझे मंडे को। तो ये मुझे निकलवाना था बहुत ज़रूरी, लेकिन दानिश ने उनसे बात करके उन्हें खुद ही सेट कर लिया है, तो उन्होंने बोल दिया है कि ठीक है। तो वो क्यों सेट करा है तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि आज भट्टी का सीन है। जी हाँ बिल्कुल, आज भट्टी लग रही है क्योंकि बकरीद पे लगी नहीं थी और हर साल लगती है। तो बकरीद पे क्यों नहीं लगी थी? क्योंकि बहुत ज़्यादा दावतें चल रही थी, बहुत ज़्यादा, और फिर जब दावतें ख़त्म हुई तो गोश्त ख़त्म हो गया था। तो भट्टी लगने का मतलब है मतलब गोश्त भी होना चाहिए। तो इतनी सारी दावतें हुई माशाल्लाह से, खैर बहुत अच्छा लगा सब कुछ, लेकिन भट्टी की वजह से ना थोड़ी सी सोना सोनापन लग रहा था मुझे। तो गाइज फाइनली आज बहुत अच्छा सा गोश्त मंगवाया मैंने दानिश से, बहुत अच्छी तरीके से, कि आप बहुत साफ सुथरा सा गोश्त लेकर आना। भट्टी लगाने का सीन है, टिक्के बनाने का सीन है और शायद लेग पीस वगैरह बनाने का भी सीन है। तो गाइज देखते हैं, और मैं भी अब तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं घर पे ही जाऊँगी और इंशाल्लाह मैं वहाँ पे ये व्लॉग मेरा कंटिन्यू रात तक चलता रहेगा। तो गाइज आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से मेरा व्लॉग इंजॉय कर रहे हैं और पिछले जो मैंने बनाए हैं आई होप कि आपने वो भी बहुत अच्छे से इंजॉय करें। गाइज मैं बहुत मेहनत करती हूँ व्लॉग बनाने में, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ, और सबसे मेन चीज़ एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है यार। तो जरा जरा बातों पे ना आप थोड़ा सा वो कमियां ना निकाला करें, थोड़ा सा वो भी कर दिया करें कि थोड़ा बिजी रहती है तो थोड़ा सा आप कर दिया करें, ठीक है? तो गाइज आपके अच्छे वाले जो कमेंट्स होते हैं ना, मुझे बड़ा खुशी करते थे वो कमेंट्स। तो गाइज आप आगे बने रहिए। तो मैं जा रही हूँ पापा के घर पे क्योंकि वहाँ सब लोग आ गए हैं, छोटी वाली सिस्टर भी आ चुकी हैं और उनके फोन पे फोन आ रहे हैं कि मुझे जल्दी बुला लिया तो तुम कहाँ पर हो। तो गाइज मैं भी जा रही हूँ अब क्योंकि सब लोगों ने पूरा सेटअप अच्छे से तैयार कर रखा होगा और कीमा वगैरह भी पीस गया है और सीके धुल गए हैं, भट्टी साफ हो गई है, और शायद कोयले का भी पता नहीं मुझे, कोयले तो आए या नहीं आए ये तो मुझे नहीं पता, शायद कोयले हैं भी या नहीं, मुझे मैंने सोची ही नहीं है वाली चीज़। खैर मैं क्यों सोचूं, ये तो लड़कों का काम है, खुद देख लेंगे ये लोग। तो गाइज मैं जल्दी जल्दी से जाती हूँ हाँ, और इंशाल्लाह मैं वहाँ का शूट करूँगी अब। तो गाइज मिलते हैं आगे वीडियो में। तो गाइस जैद मुझे लेने के लिए आए नानी के यहाँ से, है ना शोना, और मेरे बच्चे ने मेरे सूट के मैच की स्लीपर भी निकाल दी है, तो मैं यही पहन के जा रही हूँ पापा के घर पे। स्टैंड में तो मैच हो रहा है। हाँ स्टैंड में मैच हो रहा है। तो अब हम जा रहे हैं नानी के घर पे, जैद की नानी के घर पे, और ये रही चाबी जो कि मैंने लॉक लगा दिया है। तो अब हम चलते हैं, ठीक है शोना? गेट खुला हुआ है। गाइस मैं आ गई हूँ पापा के घर पे और अब थोड़ी देर के लिए मैं बैठ जाती हूँ, उसके बाद में इंशाल्लाह मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। मिलती है आगे वीडियो में। यावर यावर जा रहा है जैन के पास। तो गाइज यहाँ पे कब आपकी तैयारी हो गई है शुरू, और अम्मी लेकर आई है अम्मी लेकर आई है कबाब के कीमे की एक छोटी सी टिक्की बना के गैस पे तवे के ऊपर है, और दानिश टेस्ट करके बता रहे हैं कि कैसी बनी है। ठीक बनी है क्या? नमक मिर्च सब ठीक है इसमें?
और भैया लेकर आए हैं नींबू। क्या हुआ, नींबू की कमी हो गई थी क्या? तो इतना सारा नींबू डाल दिया ना इसके अंदर। और यहाँ पे वाहिद भाई कर रहे हैं। वाहिद भाई क्या है, टिक्के टिक्के बना रहे हैं वाहिद भाई सीखो में, और बड़े ही यमी से लग रहे हैं। तो गाइज अभी बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ पे ना बहुत ज्यादा वो हो रहा है सलाह मशवरे। तो गाइज यहाँ पे चल रहा है कबाब के कीमे की तैयारियां, क्योंकि इसमें थोड़े से मिर्च और मसाले कम लग रहे थे। मतलब हमारे हिसाब से तो ठीक थे, लेकिन ये लड़के लोग मना कर रहे थे, तो इन सब ने और भी ज्यादा इसमें लाल मिर्च और भुना हुआ गरम मसाला ये सब ऐड करवाया। और अम्मी कितनी प्यारी लग रही हैं करती हुई, और सारी की सारी बैठी हुई है यहाँ पे। तो अम्मी इसलिए कर रही है क्योंकि माँ के हाथ का जो जायका है ना, वो इन्हीं से ही आएगा ना। हम सब माए बन तो गई है, लेकिन एसी वाली माँ नहीं बने ना हम लोग। तो यहाँ पे अम्मी काम कर रही है और दामाद जी काम कर रहे हैं दोनों, और भैया भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। और जैन भी काम कर रहे हैं। जैन क्या कर रहा है, सिर्फ काम बिगाड़ रहे हैं ना सोना। तो गाइज अभी इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। वैसे तो खैर शायद सिलाइयां तैयार हैं, और अब इन पे बस अब कबाब का कीमा लगाया जाएगा इंशाल्लाह। तो गाइज हमने पहले टिक्के चेक कर देखे थे कि कैसे हैं, और अभी चेकिंग का काम चल रहा है। लो दानिश इससे निकालो, गर्म हो रहे हैं बहुत ज्यादा। और अम्मी लगा रही है सीक पे कबाब का कीमा। और जैन क्या हो गया, जैन को क्यों रोने लगे जैन? तो अम्मी पहली बार कबाब बना रही है। अम्मी कबाब लगाने की ना कोई ट्रिक होती है वो इन लड़कों को पता है। ये बहुत मोटा हो गया अम्मी। बड़े ही खाते पीते घर का कबाब लग रहा है मुझे ये। चलो टिक्के तो शायद टिक्के पास हो गए, टिक्के बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अम्मी अच्छा बना रही है। अम्मी पानी का हाथ लगाया जाता है कबाब पे हल्का सा, हाँ ऐसे करके, फिर वो थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा भी तर मत कर देना। तो वाहिद भाई लगा रहे हैं टिक्के सीक में, और दानिश बनाएंगे अब कबाब अम्मी के साथ मिलके। ये बात दानिश ने बिल्कुल इस तरीके से बना रहे, बहुत ही प्रोफेशनल है दानिश। पहले पहले कबाब की दुकान थी क्या तुम्हारी? हाँ मैं अम्मी पहले अच्छा ही लगता है, लेकिन ये भट्टी में टूट जाता है फिर। और अम्मी साइज भी चेक करना होता है कि भट्टी कितनी चौड़ी है। मुझे कबाब ज्यादा लंबा लग रहा है तुम्हारा। भैया कोयले लगा लिए नहीं उसके अंदर? पापा मैं कर सकता हूँ क्या? भैया देखा ना भट्टी लगा ना? नहीं सोना नहीं। हाँ इतनी तो है भट्टी। तो भैया गए हैं अभी टिक्को वाली सीख चेक करने के लिए, और ये बड़ा ही मुझे लंबा वाला कबाब लग रहा है, और दानिश ने आधा छुटा दिया उस पर से। हाँ अब ठीक है, कबाब रहने दो, अगर बड़ा बन गया कोई बात नहीं, भट्टी वाली ले आओ फिर। तो गाइस भट्टी स्टार्ट हो गई है, और सबसे पहला कबाब मेरे लिए आया है। क्योंकि नहीं आया, अच्छा तो इन सब ने पहले ही चख लिया था, तो मैं फोन कॉल पर बिजी थी। तो अब मेरे लिए रानिश लेकर आए चखाने के लिए, तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हमारे कबाब। जो लास्ट में डाले थे ना अम्मी मिर्च, और वो तेज नहीं हो उसको, चटपटे हो गए, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही यमी हो रहे हैं कबाब। थोड़ा खाओगे सर आप भी? चलो तो फिर ओ।
तो गाइस मैं आ गई हूँ रूम के बाहर और जहाँ पर हमारा भट्टी का सेटअप लगा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अम्मी पापा के प्यारे प्यारे से बच्चे यहाँ पे कबाब बना रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाती हूँ। वाहिद भाई इतना बड़ा तूफान चल रहा है तो तुम हाथ से क्यों कर रहे हो? वाओ कितना जूसी कबाब है ना ये, मुझसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा इसके पास बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा वो थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। लो, तो अंदर से कबाब बाहर सप्लाई हो रहा है क्योंकि कबाब भट्टी के ऊपर से खत्म हो गए थे। बहुत जल्दी जल्दी से सीख रहे हैं, मेरे पैर में बड़ी तेज लग गई छोटे। वाह तो गाइस सबकी भट्टी लगती है बकरीद के टाइम पे और हमने देखो जरा इतना सारा गोश्त था उसमें हमारी दावतें पूरी हो गई, जब भट्टी का नंबर आया तो गोश्त खत्म। इतनी ज्यादा यहाँ पे गर्मा गर्मी वाला माहौल हो रहा है ना कि मेरी तो स्किन जलने वाली हो रही है और मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। भाई भाई पंखा रोक लो एक मिनट। कितने बुरे लग रहे हो बोलते। तो गाइस आप मेरी आईज देख सकते हैं कि मेरे आंसू निकल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ना इसमें से धुआं आ रहा है बहुत ज्यादा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लड़के ही कर सकते हैं ये वाला काम ना, ये लड़के ही कर सकते हैं, हमसे नहीं होने वाले ये वाले काम। बहुत ज्यादा मेरे तो आंसू बहने लगे। और मैं सिर्फ शूट करने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, बाकी सारी लड़के अंदर है। अभी नहीं हुआ, मैं शूट कर रही हूँ। बहुत ज्यादा ना एक आंसू निकल रहा है मेरा तो। तो गाइस अब हो गया बहुत, अब मैं अंदर जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ना मुझे गर्मी लग रही है। तो गाइस हमारे कबाब बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि वाह अम्मी ने पापा के लिए निकाला सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले पापा ही खाएंगे और पापा चख के बताएंगे कि कैसे बने। वाह तो ये बहुत ही वाह, अम्मी ने पूरा ग्रेवी में अच्छे से करके मिक्स कर दिया और जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। और पापा के लिए भैया बनाकर लेकर आया है टिक्के, क्योंकि पापा ने चखे नहीं थे और हम सब ने चख लिए थे और बाकी हम सबके अभी बने नहीं है टिक्के, जो कि आपको दिख रहे हैं अम्मी के बराबर में। तो अब जल्दी जल्दी से सब बैठ जाओ, जैसे कि सब दिख रहे हैं बड़ी बुरी हालत हो रही है सबकी, मैं किसी के फेस नहीं लूंगी। जैद मेरे घर को हो जाओ थोड़ा सा, मैं भी तुम्हारे साथ खा लूं। तुम इधर हो जाओ जरा से, तो प्लेट इधर को कर लो बस, बस ये हो गया काम, बस मैं खा लूंगी। मैं मजा आ लो, पकड़ लो इतना ना वाला ले जब कुछ चटनी वटनी ले लो तुम।
कबाब पार्टी हुई कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ घर पे क्योंकि अम्मी पापा खड़े हैं। भैया थक गया था तो पापा बना रहे हैं टिक्के और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और देर हो गई थी बहुत ज़्यादा क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल भी जाना है। तो ठीक है भैया, हाय अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई ठीक है, तो मैं निकलूँ यहाँ से ज़रा साइड में होके। चलो अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, मैं रुक गया, गेट लगा लो बेटा। दानिश और बच्चे तो नीचे गली में वो मेरा वेट कर रहा है, तो मैं जा रही हूँ। तो गाइस घर पे आ गई हूँ मैं और बहुत ज्यादा थकान हो गई। वैसे मैंने कोई काम नहीं करा, सब सिस्टर्स ने और भाभी ने अम्मी ने यही लोग कर रहे थे क्योंकि जैन बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो इसलिए मैं बच्चों को ही देख रही थी क्योंकि दानिश भी बिजी थे क्योंकि जो हमारी भट्टी पार्टी हुई थी, हमारी बारबेक्यू पार्टी, वो सब इन लड़कों ने ही हैंडल कर रखी थी क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया और थोड़ी सी हमारी जो ये बारबेक्यू पार्टी है वो थोड़ा सा लेट हो गई। हमेशा बकरीद के टाइम पर ही होती है लेकिन बकरीद के टाइम पर हमारा इतना ज़्यादा दावतों का चल रहा था ना माहौल कि हम लोग कहीं जा रहे थे या कोई हमारे घर में आ रहा था, तो उस वजह से हो नहीं पाई। तो कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन हमने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से हुई। सेकंड चीज, बहुत ज्यादा आज फोटोज वगैरह तो मेरे नहीं हुए लेकिन मेरी बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो बन गई सबके साथ में बहुत मजों से। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे जा सकते हैं, ज़ेबा खान मलिक 1993। तो बहुत मजा आया आज। तो गाइज आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मेरी आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी रील्स को एंजॉय करिए। बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ मैं वहां भी और यूट्यूब पे तो मैं कर ही रही हूँ, जैसे कि आप बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे, सब काम बाद में, पहले बच्चों की पढ़ाई भी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए। और जिसको दिल कर रहा है ना बुरे कमेंट्स करने का तो कोई बात नहीं, आप बुरे कमेंट्स भी कर लीजिए, वो दानिश संभाल लेंगे। तो गाइस अल्लाह हाफिज़।